थैंक यू। मैं आपकी गैंग में शामिल हो रहा हूं आपके लिए नहीं, अपने लिए। नो, अपने लिए। कम ऑन कम ऑन। देखो प्रशांत, माफिया की दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सिर्फ ताकत नहीं, दिल भी पत्थर का होना चाहिए। पहले वाला दिल मुझे मां बाप ने दिया था, दूसरा मेरी सोसाइटी ने बना दिया। आज के बाद मैं जो भी कदम उठाऊंगा उससे लक्ष्मण के दिल में डर पैदा होगा। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। इतना ही नहीं प्रशांत, हम उसकी पूरी जायदाद को लूट लेंगे, उसे बर्बाद करके उसके ही पैसों से हम उसका अंत करेंगे। इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। श्योर, बोलिए। फूल पेट में लक्ष्मण के गुंडे लोग गांजा की स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं वहां जाकर उन पे अटैक करके उनके सामने से वो गांजा यहां लेकर आऊंगा। ओके प्रशांत, फूलों का एक हार तैयार करके रखता हूं, वापस आए तो तुम्हारे गले में डालूंगा और नहीं तो तुम्हारी तस्वीर पर। घबराइए मत, उस फूलों के हार को लक्ष्मण की फोटो पे डालने के लिए बचा कर रखिए। अपने प्लान के हिसाब से तुम अंदर जाओ और गांजे के बारे में बात करो। उन्हें 5 मिनट तक तुम्हें बातों में उलझा कर रखना है, बाकी का मैं संभालूंगा। भाई कोई आया है? क्या चाहिए तुम्हें? आपके पास गांजा है क्या? ऑटो रुका ना, रुको रुको, जानू 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 जानू, इतने दिनों तक कहाँ चले गए थे? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई थी मैं। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नौकरी के लिए आया हूँ। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस? ये तो भूत बंगला लगता है। वो जो मेरा फ्रेंड जॉब दिलाने वाला है, जॉब तो पक्का है, पक्का है। देखो वो रहा मेरा फ्रेंड, देखो। वो, उसका चेहरा तो चोर के जैसा है, जरा देखो उसे, वो तो दिन में ही तारे गिन रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पक्का मुझे नौकरी दिलाएगा। हाँ? उसके पास ऐसा जादू भी है। क्या बात है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरी उधारी जल्दी वसूल करने के लिए वो कोई आइडिया देगा, मैं अभी जाकर उसे पूछ कर आती हूँ। मेरा इंटरव्यू है। मैडम चलिए ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। जानू मेरी उधारी चुका दो ना, मैं चली जाऊंगी। अरे मुझे नौकरी तो मिलने दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। तुम बिना उधारी चुकाने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 1 मिनट ना। देखो अभी तुम यहाँ से जाओ, पूनम की रात में 16 तारीख को जो भी मुझे देना है वो सब कुछ मैं तुम्हें ब्याज के साथ चुका दूंगा, ठीक है ना? अब तुम ऑटो में बैठो। सच में? सच में तुम बैठो तो। मेरी उधारी भूलना मत। हाँ तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अबे तू हमें बेवकूफ बनाने आया है? तू कौन है हम जानते नहीं क्या? तू उस चक्रधर का आदमी है या नहीं, बोल। नहीं। Oh!